प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, बहुत तरीके के डाउट्स होते हैं। कुछ तो हमारे माइंड में ही चलते रहते हैं कि क्या ये सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, बहुत तरीके के डाउट्स तो डॉक्टर वैसे ही आपके क्लियर भी कर देते हैं, क्योंकि जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, जैसे आपकी प्रेगनेंसी उसके अनुसार आपको बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स भी होते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं डॉक्टर से, लेकिन उनसे किसी भी तरीके की हो सकता है आपके माइंड में झिझक हो, तो आप पूछ नहीं पाते हैं, और पूरी तरीके से खुल के अगर आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी आपको सही तरीके से समझा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप पूछ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो एक बात और कह देती हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अगर आप लेके जाते हैं यहाँ से तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, अगर आप फीमेल हैं या फिर आपका जो बेबी है होने वाला उसके साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसमें हम मेनली बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी टाइम में कोई फीमेल अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बना सकती है, फिजिकल हो सकती है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी हाँ और ना। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा आंसर हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो हाँ तो तब है जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसका टेस्ट करती है, आपको बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, चल रहा है, लेकिन आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको डॉक्टर नहीं बताती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बेबी बिल्कुल स्वस्थ है और किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बना सकते हैं। फिर भी बहुत सारे डाउट होते हैं आपके माइंड में, जैसे कि क्या बच्चे को चोट लग सकती है अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, तो क्या बच्चे को चोट लग सकती है, क्या बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल जाएगा, या फिर किस पोजीशन में करना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि बच्चे को चोट लग सकती है या फिर नहीं लग सकती, तो यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम आपको दिखाया है वो इसीलिए दिखाया है कि जो बच्चा है उसको चोट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि पहली बात तो ये कि बच्चे की चारों तरफ क्या होता है, इस तरीके का एक आपको थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर होता है लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड भरा होता है जिससे जिसके अंदर बच्चा जो है स्विम करता रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है। ठीक, तो इस लिक्विड का मेन पर्पस ये भी है कि यहाँ पे जो भी अगर बाहर से कोई चोट लगती है तो वो इस जो बेबी है इसको डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके चारों तरफ क्या है, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी जैसा भरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। दूसरी बात ये कि जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मसल्स होती हैं, ठीक है, बच्चेदानी की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं, जब ये स्ट्रोंग है तो जो बच्चा है उस तक चोट पहुँचे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर भी क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसल्स मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही बच्चे को चोट लगती है और ना ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको और बता देती हूँ कि बच्चेदानी का मुंह क्यों नहीं खुलता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी फीमेल जब भी वो रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि जब भी अगर फीमेल अपने जो मेन जो ऑर्गेजम की स्थिति होती है उस तक पहुँच जाती है तो उस टाइम क्या है कि गर्भाशय में थोड़ा सा संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उनकी वजह से जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो सकता है और जो बच्चा है वो उसकी डिलीवरी हो सकती है, मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है। दूसरी बात ये भी मानी जाती है कि जो मेल का जो सीमन होता है अगर वो यहाँ पर रिलीज करता है तो क्या हो जाएगा, इसका मुंह खुल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट करने का काम करता है इस हिस्से को, तो बच्चेदानी का जो मुंह है उसको सॉफ्ट करने का काम करता है क्योंकि उसके अंदर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लेकिन उसमें इतनी क्षमता तो नहीं है कि वो इसका मुंह खोल दे। दूसरी बात ये कि जब भी फीमेल का ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब वो ऑर्गेजम की स्थिति में पहुँचती है उस टाइम में, तो भी उसका वो जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हो सकते जिससे कि बच्चेदानी का मुँह ही खुल जाए। ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर आपको बोल देते हैं कि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, तो आप कंटिन्यू 9 महीने तक आप रिलेशन बना सकते हैं, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि पोजीशंस क्या होने चाहिए, तो पोजीशन के ऊपर अगर आप
चाहते हैं तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी तरीके से मैं समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो शुरुआत के जो 3 मंथ्स होते हैं उनमें आप किसी भी तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उस टाइम में बेबी बहुत छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 मंथ से ऊपर टाइम हो गया है तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उस टाइम में जो फीमेल पार्टनर है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की पोजीशंस ट्राई करनी चाहिए जिसमें कि फीमेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, बहुत ज़्यादा फोर्स ना हो, बस उतना ही फोर्स हो जितना कि वो सहन कर सके। और जो पेट जो बढ़ गया है, वो वेट गेन कर लिया है, इस वजह से उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील ना हो, इस तरीके की पोजिशन आपको ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि मेनली तो यही कि जो फीमेल है वो नीचे ना रहे, वो टॉप पोजीशन पे रह सकती है, ठीक है। तो डायरेक्टली उसके जो टमी एरिया है उस पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। और अब हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल अगर सब कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अब हाई रिस्क में मैं आपको देखिए कितने सारे एग्जांपल बताऊंगी, अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आपको फिजिकल अगर आप होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो उस टाइम में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं, अगर आपकी कोई भी कंडीशन है तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग, किसी किसी को क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जब उसका कोई भी मंथ चल रहा है तो किसी भी मंथ में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत, जैसे कि पीरियड्स होते हैं उसी तरीके से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, कुछ स्पॉट्स उसको दिखाई देते हैं, तो उस टाइम में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं, ठीक है। पेल्विक इन्फेक्शंस, अगर आपको या फिर आपके पार्टनर को किसी को भी इन्फेक्शन हो रखे हैं, पेल्विक इन्फेक्शन का मतलब है कि जो आपका नीचे का जो हिस्सा है, मतलब आपकी जो जननांग है, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे इन्फेक्शन है या फिर आपके पार्टनर को है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं करना है इस टाइम में, ठीक है। अगर आपको मिसकैरेज की हिस्ट्री है, अगर आपको बार बार क्या हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, हो सकता है कि आपको 2-3 बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि मिसकैरेज हो गया है, तो अगली बार भी चांसेस बनते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी फोर्स लगता है जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इस टाइम में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन हुई है, बार बार आपका अबॉर्शन आपको करवाना पड़ा है, मिसकैरेज हो गया है, या फिर आपको प्रीमैच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री रही है कि आपको हो सकता है जो पहला बेबी है वो प्रीमैच्योर पैदा हुआ हो, तो भी आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं, दोबारा से भी वो होना संभव होता है, ठीक है। तो उस टाइम में भी आपको, मतलब प्रीमैच्योर डिलीवरी क्या होती है कि 9 मंथ में बेबी डिलीवर होता है, लेकिन किसी किसी को 9 मंथ से पहले ही लेबर पेन शुरू हो जाता है, 7th में, 6th में, 8th मंथ में ही, तो वो होती है प्रीमैच्योर डिलीवरी। तो अगर ऐसा हुआ है तो भी आप अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। अगर किसी को ट्विंस हैं, ठीक है, तो वैसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उसका पेट और उसका वेट दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्विंस होते हैं, किसी को ट्रिपलेट्स होते हैं, किसी को 2-3 इस तरीके से बच्चे होते हैं, तो उनको भी जैसे जैसे लेटर स्टेजेस में जाते हैं पहले ट्राइमेस्टर के बाद, तो अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको नहीं करना है, रिलेशन नहीं बनाने हैं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, किसी किसी को क्या होता है, किसी किसी फीमेल को कभी कभी जो लिक्विड है वो निकलता है वजाइना के थ्रू, तो अगर ये लीकेज की प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बेबी के पास जो पानी है वो खत्म हो सकता है, जिससे कि और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है आपके डिलीवरी में, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका कभी कभी पानी लीकेज हो रहा है तो भी आपको, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड है वो अगर लीकेज है तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया, अब ये क्या है, तो देखिए जो एक माँ और बच्चे के बीच जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पिंक कलर का कुछ बनाया है, ठीक है, तो ये क्या है, प्लेसेंटा है। यहीं से ये एक नाल के जैसे जुड़ी हुई है जो कि बच्चे की नाभि में जुड़ी है, यहीं से इसको सारा पोषण मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी कहीं हो सकती है, लेकिन क्या है, किसी किसी में क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है ये जो बच्चेदानी का मुंह है वहीं उसी के आसपास या फिर उसके ऊपर ही जुड़ी हुई है, तो अगर वो रिलेशन बनाते हैं और बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है तो
तुरंत क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस टाइम में अगर आपको बता रखा है डॉक्टर ने कि आपको ये प्रॉब्लम है कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है या फिर उसके आसपास बहुत ही पास में है, तो भी आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कब आपको रिलेशन बनाने हैं और कब आपको नहीं बनाने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आप कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं उसके लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी या फिर मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।